मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं में जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लॉ फैकल्टी की छात्राएं भी शामिल हुई, जिसको देखते हुए छात्राओं को वुमेन हेल्पलाइन 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि कॉलेज आते जाते समय अगर कोई लड़का परेशान करता है तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। आपकी सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मनचलों को सबक सिखाएगी। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी, प्रोफेसर नंदिता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स में दिए गए हैं, जिन्हें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट कहा जाता है। तमाम तरह के अधिकार हैं और वो अधिकार पुरुषों के भी हैं, वो अधिकार महिलाओं के भी हैं। ये दोनों जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों के बीच में कोई विभेद नहीं करते और इसलिए जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब ये बात कही जाती है तो ये बात इसी दृष्टिकोण से कही जाती है कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखना पूरे विश्व समाज का एक अहम कर्तव्य है। बहुत सारे अधिकार हैं जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में बताए गए हैं, कुछ का नाम लिया जा सकता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, rights relating to due process in criminal and legal proceedings, equality before law, freedom of movement, freedom of thought, conscience, religion, etc. Your position on the elimination of discrimination against women. जो चाहता है कि states जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, they should be relation आधार बन जाता है 1979 के एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन का, जिस कन्वेंशन को शॉर्ट में कहा जाता है सीडॉक, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ। बट आई वांट यू कि आप उसमें लिखे कि आप जब कॉलेज आती हैं या अदरवाइज भी आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं एज गर्ल्स एंड व्हाट यू वांट द पुलिस टू डू, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स। If you could suggest, that would be very kind of you. So please fill those forms, and then we'll collect these forms. And उसके हिसाब से, based on that, we'll prepare some strategy, जो भी आपका मन पाए होगा। ठीक है? तो इसको ऐसे normally मत लीजिए कि ये ऐसे form है, fill कर दिया, मैं क्या लिख रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Because जब तक आप नहीं सोचेंगे कि आप आपकी वजह से मतलब you can make a difference, तब तक हर आदमी ये सोचेगा कि उसके करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वन पर्सन हैज टू मेक अ लीड। तो आई वांट यू कि आप इस फॉर्म को ठीक से फिल करें और आपकी जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसको लिखें, और अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है तो उसको लिखें। मैं आज का टॉपिक है वुमेन्स इक्वालिटी एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले वो सेल्फ इंडिपेंडेंस तभी सक्सेस है जब वुमेन सिक्योरिटी हो, और वुमेन सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंस हो। अभी मिशन शक्ति जिसका तीन उद्देश्य है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। नारी सुरक्षित और सम्मानित तभी होगी जब नारी स्वयं स्वावलंबित होगी। मैं अभी सर ने बताया कि प्रोहिबिशन ऑफ सॉरी दहेजता को लेकर के उन्होंने बात की, तो मैं बता दूं कि अभी भी आज के टाइम में भी बंद नहीं है। क्यों नहीं बंद है? लड़कियों को इसके लिए खुद भी अवेयर होना होगा। दहेजता यदि
ये मिशन शक्ति फेज 4 के तहत आज दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें लॉ फैकल्टी के मेंबर्स, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स, पुलिस के कर्मी और फैकल्टी जो यहाँ पे हैं, वो प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बच्चों को वुमेन राइट्स के बारे में अवेयर किया है। और अभी पुलिस का भी होगा इसमें, जिसमें उसमें बताएंगे कि हम लोग किस तरह से उनको पुलिस को अप्रोच करना है, अगर वो डिस्ट्रेस में है तो कौन से टोल फ्री नंबर्स हैं जो वो कॉल कर सकते हैं जिन पे, और उन पे पुलिस सहायता पहुंचेगी, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम उनको अवेयर करेंगे।